बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें कि नंद कुमार साय ने कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया है। वरिष्ठ आदिवासी नेता है नंद कुमार साय, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है। कुछ दिन पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और कांग्रेस सरकार के बनने के बाद कांग्रेस की सरकार के रहते उनको CSIDC का अध्यक्ष बनाया गया था। बीजेपी की सरकार बनने के बाद नंद कुमार साय ने कांग्रेस के तमाम पदों से अपना इस्तीफा दे दिया है, प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है और साथ साथ CSIDC के अध्यक्ष पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो नंद कुमार साय जो कि आदिवासी नेता के तौर पर अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, इसके पहले सांसद भी रह चुके हैं, संगठन में बीजेपी के कई पदों पर इसके पहले रह चुके हैं, लंबी राजनीति बीजेपी के लिए की, लेकिन चुनाव से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए और अब चुनाव के बाद जबकि कांग्रेस हार चुकी है उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है। आगे का उनका भविष्य क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन जिस तरह से एक साल पूरा होने से पहले ही उन्होंने पार्टी छोड़ दी उसके बाद इसका एक ही मतलब निकलता है कि बहुत जल्द शायद वो दोबारा से अपनी पुरानी पार्टी में जा सकते हैं, इसकी भी संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। लेकिन ये उनका पार्टी से त्याग पत्र इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जो कि उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज को भेजा है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव शर्मा जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरह से ये इस्तीफा आया है इसके पीछे की प्रमुख वजह क्या बताई गई है, क्या इस लेटर में लिखा गया है, क्या जानकारी इस पूरी खबर को लेकर सामने आ रही है? देखिए, नंद कुमार साय ने अपने इस्तीफे में ये कहा है कि वर्तमान में जो उनके समक्ष परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उसको देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। साथ ही साथ अपने इस्तीफे में इस बात का भी जिक्र किया कि कुछ परिस्थितियां निर्मित हुई थी जिसको देखते हुए उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया था। ना पार्टी में आने की परिस्थितियों का उल्लेख किया, ना पार्टी को छोड़ने की परिस्थितियों का उल्लेख किया, लेकिन इस बात का उल्लेख जरूर किया कि कुछ परिस्थितियां निर्मित हुई जिसकी वजह से पार्टी में वह आए और कुछ परिस्थितियां निर्मित हुई जिसकी वजह से पार्टी से वे चले गए। इस वक्त हम उनके घर में मौजूद है जहां पर सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे, देखा जा सकता है उनके घर के बाहर बंद कर दिया गया है, भीतर प्रवेश जिस द्वार से होता है उसे बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है, उनके जो सहयोगी हैं वो यहाँ पर मौजूद है और वो भीतर किसी को भी प्रवेश करने से रोक रहे हैं। और नंद कुमार साय भी स्वयं जो है वो अंदर है। ये जरूर है कि उनके बंगले में हलचल जरूर तेज है, इस वक्त मीडिया के कैमरे जो है वो नजर आ रहे हैं। पुनेश्वर जो है वो जरूर हमारे साथ है, उनसे जरूर जानने की कोशिश करेंगे। पुनेश्वर उनके मीडिया प्रभारी, पुनेश्वर क्या जानकारी, आप स्वयं उनका इस्तीफा PCC में छोड़कर आए? मैं PCC में इस्तीफा छोड़ा ही नहीं हूँ सर, ये तो गलत जानकारी दे रहे हो कि मैं। ये बताइए कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इस्तीफा की क्या वजह है क्या नहीं है मुझको भी जानकारी नहीं है। मैं भी आप लोग के थ्रू मीडिया के थ्रू मुझको पता चला कि अच्छा किसने किसने उनका इस्तीफा PCC तक पहुँचाया, ये तो जानकारी नहीं मेरे को। आपने नहीं पहुँचाया? मैं नहीं पहुँचाया। अच्छा, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, क्या कारण बता रहे हैं? उनका क्या प्रमुख वजह है वो तो साय जी ही दे सकते हैं, मैं कैसे बता दूं। लेकिन आप तो उनके मीडिया प्रभारी हैं। कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के तौर में मुझको जानकारी नहीं है कुछ। आप उनके साथ लंबा समय तक व्यतीत करते हैं तो कुछ तो जानकारी होगी ना साहब से। तो कल ही मैं सामान्य चर्चा मुलाकात किया था लेकिन मुझको ऐसा कुछ जानकारी बिल्कुल भी नहीं था। तो ये उनके मीडिया प्रभारी हैं जो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये उनके बंगले की सीधी तस्वीर है जहां पर उनके जो सहकर्मी हैं वो भी इस बात को बताने की स्थिति में नहीं है कि किस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या प्रमुख कारण रहे और आने वाले समय में वो क्या उनकी स्थिति होगी उसको भी बताने की स्थिति में नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक कांग्रेस को बड़ा झटका जो है वो जरूर लगा है नंद कुमार साय के इस्तीफे से, हालांकि उन्होंने किस वजह से इस्तीफा दिया ये स्पष्ट नहीं है। आने वाले समय में वो कहां किस पार्टी में जाएंगे ये भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन बड़ी खबर यही कि नंद कुमार साय ने 4 दशकों के राजनीति के बाद, राजनीतिक जीवन के बाद कांग्रेस में प्रवेश किया था और लगभग 7-8 महीने गुजारने के बाद 1 मई को उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया था और 1 मई से लेकर आज देखा जा सकता है आज की तारीख में और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जी बिल्कुल, इससे कांग्रेस को कितना नुकसान या आने वाली जो पार्टी होगी उसको कितना फायदा, क्योंकि राजनीतिक तौर पर उनका एक लंबा करियर बीजेपी में रहा है, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए कहीं ना कहीं एक महत्वाकांक्षा थी, शायद वो महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई है जिसकी वजह से फिर से दोबारा वो पार्टी छोड़ रहे हैं। कैसे इस पूरे समीकरण को समझें? देखिए, 4 दशकों का लंबा उनका राजनीतिक अनुभव रहा भारतीय जनता पार्टी में। वे तमाम पदों पर रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे,
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, तो तमाम पदों पर रहे। उनकी महत्वाकांक्षा इस बात को लेकर थी कि वे विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव की टिकट उन्हें नहीं मिली। कांग्रेस में आने के बाद भी उन्होंने प्रयास किया लेकिन नहीं मिली। उन्हें इस बात का भरोसा जरूर दिलाया गया था कि वे रायगढ़ लोकसभा से या सरगुजा लोकसभा से वे मैदान में उतारे जा सकते हैं लोकसभा चुनाव के लिए, और इस बात की जानकारी उन्होंने हमारे कैमरे पर N24/7 में ही दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पहले ही कांग्रेस की सरकार हटने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उनका मोह भंग हो गया और आज उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक कांग्रेस के लिए बड़ा झटका इसलिए भी क्योंकि बड़े आदिवासी नेता के रूप में उनकी पहचान थी और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिए। किस दल में जाएंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा। जी बिल्कुल गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। सुशील जी, लगातार इस्तीफों का दौर पार्टी के अंदर जारी है, ऐसे में एक बड़े आदिवासी चेहरे नंद कुमार साय जी ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है, कैसे देखते हैं इसके पीछे की वजह, क्या मानते हैं? देखिए, नंद कुमार साय जी भारतीय जनता पार्टी से अपमानित होकर व्यथित होकर कांग्रेस में आए थे। हमारे पास जो बेहतरीन उनका सम्मान करना था हमने उनका सम्मान किया, बहुत वरिष्ठ नेता है और कांग्रेस पार्टी में उनका जितना सम्मान हो सकता था हमने उनका सम्मान किया और उनको कैबिनेट का दर्जा जो हम दे सकते थे चूंकि हमारे पास आखिरी में आए थे हमने उनको कैबिनेट का दर्जा दिया और उनकी इच्छा के अनुरूप जो मंडल निगम आयोग खाली था, हालांकि उनके कद के अनुरूप तो कुछ भी पता नहीं था, बहुत बड़े नेता थे वो, राष्ट्रीय स्तर के हैं। अब उनका अपना निर्णय, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ा है, लेकिन मेरा ये मानना है उनके आने से राजनीतिक रूप से हमको कोई फायदा नहीं हुआ, ना हमको कोई किसी फायदा के उद्देश्य से उनको लिए थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से व्यथित होकर कांग्रेस माने का अनुरोध किया था, हमारे नेताओं ने बड़ी सहृदयता से उनके अनुरोध को स्वीकार किया था, अब वो जा रहे हैं, ये भी उनका अपना निर्णय है। निश्चित तौर पे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, विद्वान नेता हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, लेकिन न वो हमारे संघर्ष में कभी सहभागी थे, अब तो हमारी और संघर्ष की डगर चालू हुई है, तो हम अपेक्षा भी नहीं करते कि हमारे संघर्ष में वो रहेंगे। प्रवासी पक्षी थे, कुछ दिन का बसेरा था, उड़ गए। लेकिन यहाँ पर सुशील जी, आप कह रहे कि संघर्ष आपका अकेले का है, तो क्या ये जो संघर्ष भविष्य का देखकर उन्होंने पहले ही भाप लिया कि आगे क्या होगा, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये माना जाए? मैं कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं करूंगा, न संघर्ष हमारा अकेले का नहीं है, संघर्ष कांग्रेस पार्टी का संघर्ष है, मेरा से हमारे से कांग्रेस पार्टी से था, लेकिन वो देखिए, हम उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि प्रवासी पक्षी थे, कुछ आए, उन्होंने मौसम का लुफ्त लिया और चले गए, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है, उनके जाने से, उनके आने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा, ना उनके जाने से कोई फर्क पड़ेगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने, हो सकता है अपने मूल दल में वापस जाए। लेकिन सुशील जी, एक आदिवासी चेहरे के तौर पर उनकी एक बड़ी छवि रही है, बड़े नेता रहे हैं, जब आए थे पार्टी में तब आप लोगों ने उनकी तारीफ की थी, आपको ने कहा था कि भाई आदिवासी समाज का जो वोट बैंक है जाहिर तौर पर उसका फायदा उनको मिलेगा, लेकिन अब चूंकि वो जा चुके हैं, तो क्या ये मानते हैं आप कि सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी जो होती है या एक मौका परस्त राजनीति जिसको हम कहते हैं, क्या उसके तहत वो गए हैं? देखिए, हम आज भी इस बात की तारीफ करते हैं कि बड़े वरिष्ठ आदिवासी नेता थे, लेकिन हम इस बात को आज भी बोल रहे हैं कि उनके आने से हमारे को कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ा कि जब वो आए थे तब प्रदेश का सबसे बड़ा आदिवासी वर्ग जो है कांग्रेस के साथ था, 29 विधायक हमारे आदिवासी वर्ग थे, उनके आने के बाद जो अगला चुनाव हुआ उसमें तो हम सारे आदिवासी सीटों में हार गए। ये बहुत सारे विश्लेषण के विषय, मैं उसको नहीं बोलता, उस मामले में मैं नहीं जानना चाहता, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, कांग्रेस पार्टी में आने से उनके आने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो हम फिर बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रवासी पक्षी के तरह आए थे फिर चले गए, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है, काफी वरिष्ठ नेता है। सुशील जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर विमल चोपड़ा जी पूर्व विधायक भी जुड़ चुके हैं। विमल चोपड़ा जी, जिस तरह से आज एक बड़ा निर्णय लिया है नंद कुमार साय जी ने, कांग्रेस छोड़ दी है और सुशील आनंद जी कह रहे हैं कि प्रवासी पक्षी की तरह आए थे, प्रवासी पक्षी की तरह चले गए, क्या मानते हैं दोबारा बीजेपी में? आदिवासी नेतृत्व का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है वो किसी और पार्टी में नहीं है। ठीक है, सत्ता के लालच में नंद कुमार साय जी कांग्रेस में चले गए होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो महत्व दिया वो कांग्रेस में नहीं मिला, ये उनको अब अनुभव भी हुआ होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी महिला राष्ट्रपति दिया,
आदिवासी राज्यपाल दिया और अब आदिवासी मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है छत्तीसगढ़ में। तो आदिवासी समाज का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में, वो कांग्रेस में हो ही नहीं सकता। और जहां तक सुशील आनंद शुक्ला जी की बात सुन रहा हूं कि उनके आने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो जिस प्रकार से जब वो कांग्रेस में गए थे उनका स्वागत हुआ था और जिस प्रकार से उनको 15-20 दिन तक भारी तवज्जो दी गई थी, मुख्यमंत्री जी अपने साथ कार्यक्रम में लेकर के घूमते थे उनको, और आज ये कहना जब कि वो कांग्रेस छोड़ दिए हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसा लगता है कि अंगूर खट्टे हैं वही वाली कहावत है। अब नंद कुमार साय जी को आत्मचिंतन करना चाहिए और मेरे को तो लगता है उनको राजनीति से अब संन्यास लेकर के अपने जो सेवा के कार्य हैं वनवासी कल्याण आश्रम के या अन्य, उन कार्यों में उनको लगना चाहिए और उनको अब जो है इस प्रकार से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में भी आने का प्रयास जो है उनको नहीं करना चाहिए, वही उनके लिए उपयुक्त और अच्छा रहे। अगर वो आना चाहते तो क्या आप लेने के लिए तैयार हैं उनको? कि ये मेरा विषय नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है प्रदेश का और राष्ट्रीय नेतृत्व, क्योंकि वो बड़े नेता है, आदिवासी समाज के एक जाने माने चेहरे हैं, तो इसलिए उनका जो निर्णय है वो तो प्रदेश का नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, आपका भी, सुशील आनंद शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और गौरव शर्मा हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े थे, गौरव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।